23 मई को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर इंदौर निर्वाचन अमले द्वारा मतगणना कर्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सभी कर्मिकों को निर्देश दिए गए कि वे बारीकी से प्रशिक्षण लें ताकि मतगणना के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए रिपोर्ट। देश भर में लोकसभा चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर इंदौर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में मतगणना कार्य को निष्पक्ष एवं निर्भीक और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी कड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, साथ ही मतगणना की बारीकियों को भी समझाया गया। हमारे पास नहीं आया तो हम फ्री है। हमारे पास जो है RP Act की धारा 53 का और 58 का आवेदन भी नहीं आया कि फला फला VP Pad की पर्ची गिनी है। हम फटाक से 5 VP Pad निकाल के लाएंगे, वही गिनवा देंगे और उसका चैप्टर खत्म। इसके बाद हमको वेट नहीं करना है, क्यों नहीं वेट करना है, क्योंकि हमारा काम खत्म, हमारे पास कुछ मशीन ही नहीं है। अब जब दूसरी विधानसभाओं में मशीन काउंट होगी तब हमारा रिजल्ट कंपाइल होगा, तब तक आप फ्री है। वहीं ADM अजय देव शर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार करीब 600 मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस बार 5 VVPAT मशीनों की पर्चियों की गिनती होगी, जबकि पिछली बार सिर्फ 1 VVPAT की गणना की जाती थी। वहीं करीब 1200 अधिकारी मतगणना में शामिल रहेंगे। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इसमें लगभग हमारे 600 अधिकारी कर्मचारी भाग ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो काउंटिंग की प्रक्रिया है उसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर है, इसके साथ साथ जो हमारे काउंटिंग सुपरवाइजर है और गणना करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भली भांति सभी नियमों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे किसी भी स्टेज में किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो सके। और आज हमारे यहाँ आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में 20 कक्षों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर इंदौर निर्वाचन अमले द्वारा मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं कर्मियों को चेताया गया कि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, अन्यथा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।